मेरा मित्र प्यारा तू ही दातिया, तेरे घर च ना घाटा किसे चीज दा। थोड़ी भर के निहाल ओनू करदा, जीते उत्ते परसन होके रीजदा। मेरा मित्र प्यारा तू ही दातिया, तेरे घर च ना घाटा किसे चीज दा। थोड़ी भर के निहाल ओनू करदा, जीते उत्ते परसन होके रीजदा। दाता दित्तिया पिछन शब ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ
दसा पातशाहियां दी जागत जोत गरीब नवाज सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद विच विराजमान गुरु सवारी खालसा साध संगत जी आओ गुरु बख्शी फतेह की सांझ पाइए। कोई भी रसना फतेह बुलाउण तो वांझी ना रह जाए। सरबत संगत प्यार सहित आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज का दिन लोहड़ी के त्योहार वजो मनाया जा रहा है। लोहड़ी का त्योहार नेकी दी बदी उपर जित दा प्रतीक है। यह मनिया जाता है कि भगत प्रहलाद जिसका बाप हरणाक्ष अपने पुत्र नू इस करके खत्म करना चाहता सी क्योंकि प्रहलाद अपने बाप नू रब मनन लई तैयार नहीं सी। और प्रहलाद की भूआ होलकां जिसने वर प्राप्त किया सी कि मैनू अग नहीं साड़ सकती उसने आख्या वीर हरणाक्ष प्रहलाद होर किसे तरीके नाल नहीं मरेगा, मैं इसनू बुकड़ विच लैके अग विच बह जावांगी, प्रहलाद सड़ जाएगा मैं बच जावांगी। बस इसे तरह होया, अपनी बुकड़ विच भगत प्रहलाद नू लैके अग विच होलकां बह गई पर होया उल्ट। परमात्मा ने अपने भगत की रक्षा की, भगत प्रहलाद नू तत्ती वाह नहीं लगी पर होलकां सड़ के सुआह हो गई। उसे दिन तो यह त्यौहार चलिया लोहड़ी का त्यौहार। तो साडे समाज विच विशेष तौर पर लोहड़ी उन्हां घरां विच मनाई जाती है जिथे परमात्मा की बख्शिश होवे, जिस घर नू संतान की प्राप्ति होवे, जिस घर विच पुत्र जां धीआं पैदा होण। सचमुच मनुख के जीवन की सब तो वड्डी पूंजी है उसकी औलाद, उसकी संतान, बच्चे। सारा जीवन बंदा बच्चों लई उद्यम करता है, मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई करके अपने बच्चों नू तरक्की दे दी बुलंदी तक पहुँचाना चाहता है। तो अज आप जिन्हें भी इतने एकत्र होए हाँ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी में एकत्र होए हाँ, खास तौर पर वो परिवार जिन्हां ते सतगुरु पातशाह की रहमत हुई है, जिन्हां नू बच्चों दियां दातां मिलियां ने, विशेष तौर पर महाराज का शुकराना कर रहे हैं। आओ समा बड़ा सीमित है, ढाडी जथा गुरु दरबार की महिमा आप जी नू सरवण करवाएगा। सचमुच संसार ते हर एक बंदा चाहता वो घर में धीआं पुत्र होण, औलाद होण, बच्चे होण। जिस घर में बच्चे नहीं उस घर में रौनक नहीं होंदी। सियाणियां दी कहावत है न्याणा भावें एक होवे सियाणा भावें सौ होवे, एक न्याणा सौ सियाणियां नू खुश कर लैंदा है। सतगुरु रहमत करन अरदास करदे हां दुनिया का कोई भी ऐसा मनुख ना होवे, ऐसा कोई जोड़ा ना होवे जिन्हां दे घर विच संतान ना होवे, परमात्मा सब नू औलाद की दात बख्शिश करे। तो जिस दरबार असी बैठे हाँ ना, इस दरबार की वड्याई है, इत्थे जिहड़ा भी मनुख भावना दे नाल आके श्रद्धा दे नाल आके भरोसे दे नाल गुरु तो दात मंगदा है, जिहड़ा गुरु नू प्रसन्न कर लवे गुरु उहनू फिर दातां दे के निहाल कर दिंदा है। दुनिया की कोई भी ऐसी दात नहीं जिहड़ी गुरु दरबार विच्चों गुरु नानक दे घर विच्चों गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच्चों नहीं मिलदी। आओ लै चलिए तुहानू मालवे की धरती से। मालवे की धरती है, एक पिंड है जिहदा नां है विंजू। विंजू पिंड विच एक परिवार रहिंदा है, इस परिवार के मुखी का नाम है भाई आदम, जां इतिहास विच उद्धम नाम भी लिखिया मिलदा है। भाई आदम ते उहदी धर्म पत्नी इस समय की उड़ीक विच ने जदों परमात्मा बख्शिश करे मेहर करे उन्हां दे घर विच संतान होवे, कोई पुत्र होवे, कोई धी होवे, पर होर सारियां दातां उन्हां दे कोल ने। जमीन बड़ी है, हवेलियां बड़ियां वधियां ने, पैसे की कोई कमी नहीं, पर घर विच औलाद नहीं। ते साडे समाज अंदर गुरु साहिबान दे वेले अज भी भावें यह परंपरा जारी है, समाज विच जदों बंदा निरसंतान हुंदा है ते उह संतान की प्राप्ति लई बड़िया थावां ते जांदा है, बड़े उद्यम करदा है। कोई साडे समाज विच कोई आंढी गुआंढी कोई रिश्तेदार कह दे जिवें फलानी थां ते बड़े करनी वाले महापुरश रहिंदे ने, उन्हां कोलों कोई खाली नहीं मुड़दा ते बंदा उत्थे चला जांदा है। फलानी थां ते कोई पीर रहिंदा है, फलानी जगह विच बड़ी शक्ति है, उत्थे जिहड़ी मुराद मंगी है मुराद पूरी हो जांदी है। औलाद दी खातर बंदा बड़ा कुछ करदा है पर कई वार किसे भी दर तों उहनूं खैर नहीं पैंदी। बाबे आदम दा हाल भी इह हो चुका है, जवानी बुढ़ापे विच बदल गई है, उम्र 60 साल तो उपर हो चुकी है, हुण आस मुक चुकी है,
ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝੋਰਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਵਾਟ ਲੰਬੇਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੁਫੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਉੱਪਰ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦਾ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਸ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਨਿਰਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਮਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜੇ, ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਬੜੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਾਏ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਦੋਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਪੁੱਤ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਢਾਡੀ ਕਥਾ ਕਿਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ? Thank you.
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਜਾਂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਸਤਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ
हरिमंदर साहब तो पहला इतने एक सरोवर की खुदाई हुई। वैसे पांच सरोवर ने अमृतसर की पावन धरती से असी दर्शन करते हैं। उन्हें पांच सरोवर में संतोख सर एक सरोवर है, आराम सर एक सरोवर है। आराम सर का सरोवर जो तुसी शहीद बाबा दीप सिंह जी के पावन स्थान के दीदार करते हो बिल्कुल नाल है आराम सर का स्थान, जिथे सतगुरु अर्जन देव महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब का पहला स्वरूप तैयार करवाया। जे सरोवर के कंडे सतगुरु महाराज यह भी एक सरोवर है राम सर साहब। इस तो थोड़ा जि अगे जाने बिल्कुल नजदीक खबे हथ एक सरोवर है जिसनों विवेक सर साहब कहने गुरुद्वारा विवेक सर साहब। फिर अगे जाने दरबार साहब तो पहला खबे हथ कौल सर सरोवर आता है। फिर एक संतोख सर जरा दुरेडा है। तो पांचवा सरोवर है जिसनों असी सुधा सर ज अमृत सरोवर भी कहने जिस दे विचकार सचखंड श्री हरिमंदर साहब सुशोभित है। सतगुरु रामदास महाराज इस सरोवर की सेवा करवाते सन, दूर दुराडे तो संगत सेवा करने लिए आउंदियां सन, गुरु की बख्शा वरतदियां सन। जिथे संगत सेवा कर दियां उत्थे सिमरन करके सेवा दे नाल नाल लाहे लेंदियां। हर रोज सुबह शाम दरबार सजदा है, गुरु दरबार में कीर्तन हुंदा है। सतगुरु रामदास महाराज अपनी मुबारक रसना तो अमृतमई बचन सरवण करवाउंदे ने। जिहड़ा गुरु के दीदार करता है गुरु की अमृतमई रसना तो उचरे हुए बचन सरवण करता है वह आनंदित हो जाता है। उसकी जन्मां जन्मांतरां की भुख रह जाती है। भाई आदम ते इसकी घरवाली भी गुरु दरबार में पहुंच गए, सतगुरु रामदास महाराज के दर्शन किए, मत्था टेकिया, बचन सुने। बस गुरु दरबार विचों ते गुरु के सिख तो यह पता लग गया कि गुरु घर विच सेवा ते सिमरन दो दाता ने। जिहड़ा सेवा करता है जिहड़ा सिमरन दे नाल प्रीत पा लैंदा है फिर उहदे जीवन में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही। सचमुच गुरु घर विच दोनों चीजा गुरु के सिख नूं करनियां चाहीदियां ने। गुरु का सिख सेवा भी करे ते सिमरन भी करे। हुण जे केवल सेवा कर रहे हैं तो फिर भी गल नहीं बनेगी, जे इकला सिमरन कर रहे हैं तो फिर भी बात अधूरी है। जिवें एक पहलवान अखाड़े विच घुलदा है, वह अपने पेशे की भलवानी की प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, अखाड़े विच जोर करता है, इकले जोर नाल गल नहीं बनती। जिथे वह जोर करता है उस तो पहला खुराक भी खाता है। खुराक खानी भी जरूरी है, पर जे खुराक तो खा ली फिर जोर अजमायश ना की फिर पहलवान तकड़ा नहीं हो सकता, वह चैंपियन नहीं बन सकता। उन्हों नालों नाल खुराक खाण तो बाद अभ्यास भी करना पड़ेगा। बस इस तरह जिहड़ा सिमरन है समझो खुराक खानी है, तो सेवा करनी है इनू पचाउण लई प्रैक्टिस करनी। सचमुच सतगुरु कहिंदे ने पचाउणा भी बहुत जरूरी है। दुनिया से सेवा सिमरन करन वाले बहुत ने पर सिमरन बहुतियां दे पचदा नहीं, यह कौड़ी सच्चाई है। सतगुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे ने ना जे को खावै जे को भुंजे, यह नहीं किया किस वस्तु नूं कोई खा लवेगा, कोई सिमरन कर लवेगा, कोई रब्बी गुणा नूं धारण कर लवेगा। हजूर कहते हैं नालों नाल सेवा सिमरन करके सिमरन करन तो बाद बंदगी करन तो बाद उन्हूं हजम भी करना है, किसे दूजे नूं नहीं दसना। डौंडी नहीं पिटनी फलाना सिया तू तो 8 बजे उठदा है, मैं जदों तक तू उठदा है तो 5 बाणियां का नितनेम करके आसा जी की वारदे नाल सुखनी साहब भी कर लैना फला। सचमुच बंदा बंदगी करे मन में निम्रता होनी चाहिए है। जे असी बंदगी तो कर रहे हैं पर हाले मन में निम्रता नहीं आई तो सानू अपने आप वाल वेखना चाहिए, अपनी पड़चोल करनी चाहिए है कितने घाट रह गई है। गुरु रहमत करे सिमरन दे नाल सेवा बहुत जरूरी है, सेवा करन दे नाल निम्रता आएगी। सतगुरु रहमत करन सेवा भी करिए सिमरन भी करिए, गुरु घर चो गुरु चरणों विचों दो दाता मंगीए। हुण भाई आदम ते उहदी घरवाली ने एक टिकाणा बना लिया, एक झोंपड़ी पा ली। बाबे आदम ने सेवा करनी शुरू कर दिती। सेवा की करदा है, उन्हें महसूस किया गुरु के लंगर लकड़ा की जरूरत होंदी है, जंगल विचों लकड़ा कट के लियाउणियां शुरू कर दित्तियां। हुण लकड़ा कट के लियाउंदा दो भरियां हर रोज़ लियाउंदा है, एक गुरु दरबार में लंगर में पा दिंदा है ते दूजी भरी अपने घर रख लैंदा, कुछ लकड़ा विचों वेच दिंदा है। फिर वह लकड़ा वेच के जिहड़े पैसे मिलते ने उहदियां रसदां लैके आउंदा है। प्रशादा भी दोनों जी गुरु के लंगर विचों नहीं छकदे, उहनां दे मन की भावना है जे गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक लिया फिर तो असी मजदूरी लै ली। सचमुच कुछ गुरसिखां दी असी भावना है
गुरु के लंगर विच प्रशादा छकना कोई माड़ी गल नहीं, छकना चाहिए। असि इन प्रशाद कहने, गुरु के लंगर का प्रशादा सचमुच असी छकते हैं ना, भावे 36 तरह के भोजन ना हो बने, केवल मूंगी की दाल बनी हो, पर जेड़ा आनंद गुरु के लंगर की मूंगी की दाल विचों आता है वह तुहानू रेस्टोरेंट के 36 पदार्थों विचों नहीं प्राप्त हो सकता। सचमुच भावना होनी चाहिए, लंगर छकना चाहिए, पर उस गुरसिख की भावना कैसी है? वह कहता है लंगर विचों प्रशादा नहीं छकना, सचमुच वह मेहनत करके अपनी दसा नहों की कमाई विचों रस्ता लिया के फिर प्रशादा तैयार करता है। पर कई महीने लंघ गए, पोह की सर्दी आ गई, सतगुरु रामदास महाराज अज बाहरों आए ने, हजूर के नाल सैकड़े गुरसिख आए ने, बहुत सारी संगत आई है, बेशक संगत के रहने लई तंबू लगे हुए ने, प्रबंध हो चुका है, पर भाई आदम जी सोच रहे ने सर्दी बड़ी है, अत की ठंड है, पुरे की पौड़ जिसमां नूं चीरदी जा रही है, गुरु के सिखां दी कोई सेवा कर लईए। मन में ख्याल आया जिहड़ियां मैं लकड़ां जमा करदा हाँ उन्हां विचों कुछ लकड़ां घर विच मौजूद ने, जिथे जिथे संगत के तंबू लगे ने, संगत का डेरा है, उत्थे धूणियां धूणियां बाल दईए, अग दे सेक नाल संगत नूं सर्दी तो कुछ राहत मिलेगी। हुण वेखो सिख नूं सेवा कहड़ी करनी चाहीदी है, सेवा वह करनी चाहीदी है जिहड़ी सेवा ते सतगुरु प्रसन्न हो जाण। सेवावां बहुत तरह दीआं ने, गुरु घर विच आपां बहुत सारियां सेवा करदे हां, गुरु पातशाह दे चरणां विच आ के कोई सिख चौर साहिब की सेवा करदा है, मुबारक है, करनी चाहीदी है। कोई इत्थे कारपेट साफ करने लई वैक्यूम करदा है, कोई लंगरां विच प्रशादा तैयार करदा है, कोई वरताउंदा है, कोई जूठे बर्तना की सेवा करदा है, सारियां सेवावां करनियां चाहीदियां ने। वड्डे भाग ने जिहड़े गुरु के सिख सेवा करदे ने, पर हजूर कहिंदे ने सेवा ओ सफल है, सा सेवा कीती सफल है जित सतगुर का मन मन्ने, जब सतगुर का मन मन्निया तां पाप संभल भन्ने। जिहड़ी सेवा ते सतगुरु प्रसन्न हो जाण ना, जिहड़ी सेवा कीती होई सिख दी सेवा गुरु नूं भा जाए चंगी लग जाए वह सेवा सफली है। ते जदों गुरु नूं सेवा चंगी लग जाए, सेवा करन वाले सेवादार दे जीवन विचों पाप विकार सब खत्म हो जाते हैं, गुरु की रहमत हो जाती है। हुण असी अपने वल झाती मारीए, सेवावां असी भी करदे हां, करनियां चाहीदियां ने, गुरु दरबार विचों बाहर भी सिख ने सेवा करनी है। कितने लोड़वंद तुहानू बाजार विच मिलदा है, कोई भुखा है उहनू रोटी खवाउणी, किसे नंगे नूं वस्त्र दे रहे ने, जिस तरह की भी सेवा वाजब ठीक समझो करनी चाहीदी है। पर एक सेवा इहो जी है जिहड़ी सेवा साडा बड़ा ध्यान मंगदी है। आम तौर पर जदों किसी नूं कोई दात प्राप्त होवे, कोई सहज पाठ कोई अखंड पाठ करवावे, तो असीं आम तौर पर रमाला भेट करदे हां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं, बहुत चंगी गल है, करना चाहिए। गल ध्यान नाल सुनियो, मैं विरोध नहीं कर रहा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं सोहणे तों सोहणा रमाला भेट करना चाहिए, पर हुण अज असीं की कर रहे हां गुरुद्वारे विच, केवल तो केवल रुमाले भेंट हो रहे ने। कदे किसे ने तुसीं ध्यान मार के वेखो, गुरु ग्रंथ साहिब दे सुख आसन वाला वस्त्र भेंट किया, बहुत घट सिख होणगे। कदे किसी ने चौर साहब भेंट किया, चाहिए है कि जिहड़ी चीज़ की गुरु महाराज की सेवा विच जरूरत है, ग्रंथी सिंह नूं पुछ के उह सेवा करवाइए, उह चीज़ भेंट करिए, वस्तु भेंट करिए, पर असीं केवल रुमाले भेंट करन लग पए ते गल कित्थे पहुँच गई। हुण साडी किसी की हैसियत है, $20 वाला रुमाला लिया सकते, कोई 50 वाला, कोई 100 वाला, ते कई बार रुमाले इस तरह के होंगे ने जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सेवा विच वरते नहीं जा सकते। कई बार रुमाला गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते दिता जाता है, ग्रंथी सिंह ने जो हुक्मनामा लेना होंगे तो रुमाला सरक जाता है, हेठां डिग पैंदा है, बहुत सारे इस तरह के रुमाले भी होंगे। कई रुमाले होंगे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पीड़ा साहब से पूरे नहीं आते, रुमाले भेंट करने चाहिए ने, सोहने रुमाले होना, बहुत सोहना सैट बना के बड़ा कीमती सैट इतने लाया होया, लगने चाहिए ने। जे इस तरह हो असी सेवा करनी है रुमाले की, तो असी जो रुमाला भेट करने की बजाय माया प्रबंधकों दे रही है, तो प्रबंधकों ने इस तरह का सिस्टम बनाया हो, वक्री गोलक हो जिदे केवल रुमालिया वाली माया पाई जाए, तो जदों माया इकट्ठी हो जाए नवा वधिया चंगा सोहना सैट बना लिया जाए, इन्ने सैट हो भावें हर रोज़ बदलिया जाए, पर इस तरह नहीं कि असी अपनी मर्जी नाल सेवा करिए, जिहड़ी गुरु नूं पाउंदी है सेवा। हुण इत्थे गल एक होर बड़ी ध्यान देने योग है, हुण भाई आदम कि सेवा कर लग्या, सतगुरु सच्चे पातशाह कहिंदे ने सतगुर के जी की सार ना जापै के पूरे सतगुर भावै, सानू नहीं पता कि पूरे सतगुरु नूं की चंगा लगता है। पर महाराज एक होर कंडीशन दसदे ने,
ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚੈ ਸੋ ਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਨੇ, ਲੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੂਣੀਆਂ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿੱਘ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੰਬੂਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧੂਣੀ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਠੰਡ ਬੜੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੰਡ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਿੱਘ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਇੱਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਧੂਣੀਆਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਲਦੀਆਂ ਧੂਣੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਧੂਣੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਭਰੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਧੂਣੀਆਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਆਦਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੂਣੀਆਂ ਬਾਲ ਕੇ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਿਹਾਲ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਮਰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਇਸ ਉਮਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਾਲਦਾ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ, ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਆਦਮ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਜਾ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕੀ ਆਖਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਆਖਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਦਮ ਜੀ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਆਦਮ ਮੰਗ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਘਰ ਗਿਆ। ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗ ਲਿਆ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਊੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਲਿਆ?
समां सी सुनहरी तुसा ने गवाया जो समां सी सुनहरी तुसा ने गवाया जो सभ्या ना मौका मसा मसा आया जो सभ्या ना मौका मसा मसा आया जो ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਚਮੁੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦੂਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਧੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਥੇ
हर एक बंदा चाहता उसके घर में धी होवे भावे ना होवे पर पुत्र जरूर होवे। एक यथार्थ है, एक सच्चाई है ना। साडे समाज में हर एक बंदा चाहता है उसके घर में पुत्र जरूर होवे। ते जिन्ना चिर कोई औरत एक पुत्र की मां ना बने उसका शिंगार अधूरा मनिया जाता है। प्रोफेसर मोहन सिंह कहते हैं मावा भावे होवन परियां नाल हुसन दे डक डक भरियां शाही घरी व्याहियां वरियां पहनन पट हंडावन जरियां पर पूरा कदे शिंगार ना होवे जे गल लालां दा हार ना होवे। सचमुच हर एक बंदा चाहता है उसके घर में पुत्र होवे। हुण भाई आदम चाहता है उसके घर में उसकी घरवाली चाहती है एक पुत्र होवे पर वह मंग नहीं सकिया। इहदी घर धर्म पत्नी कहण लगी अज मैं तुहाडे नाल सतगुरु रामदास महाराज कोल चलांगी, मैं मंगांगी। हुण इह जाणदे ने गुरु दरबार एक बहुत वड्डा दरबार है। इत्थे इस तरह नहीं कि किसे ने गुरु की सेवा की सतगुरु प्रसन्न हो गया आख्या मंग की मंग सकदा है, कोई मंग नहीं सकिया। ते नहीं कि दोबारा मौका नहीं मिलिया, जदों मर्जी मंग लवे। गुरु दी वडियाई आम तौर ते असीं कई काल्पनिक कहानियां सरवण करदे आ, खास तौर ते सनातन मत विच इस तरह का मिथिहास सरवण करन नूं मिलदा है कि किसी ने किसी खास देवते की देवी की पूजा की, वह देवी प्रगट हो गई, उसने आख्या मंग। पहली बार, दूजी बार, तीजी बार जिन्हें मंग लिया जो कुछ मंग लिया वह मिल जाता सी। और जे कोई मंगण तो रह जाता फिर वह सारी उम्र उन्होंने दोबारे भगती करनी पैंदी सी। पर सतगुरु नानक देव महाराज का घर इहो जिहा घर है, इत्थे वार वार मौके मिलते हैं। यह नहीं कि एक बार बंदा खुंझ गया दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जदों मर्जी मंग लवे गुरु महाराज हमेशा दातां दिंदे ने, कदे दातां दिंदे थकदे नहीं ना। गुरु दीआं दातां दे भंडारे कदे खाली हुंदे ने, बंदा लैंदा थक जांदा, देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। सतगुरु रामदास महाराज के दरबार विच हुण भाई आदम दे नाल दूसरे दिन उहदी घरवाली भी जा हाजिर हुई। सतगुरु सच्चे पातशाह बैठे ने, कीर्तन की समाप्ति हुई, सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ी रीत नाल भाई आदम ते उहदी घरवाली वल वेख्या, दोनों जाने खड़े हो गए। हुण भाई आदम की घरवाली ने गल च पल्ला पा के आख्या सच्चे पातशाह कल तुसी प्रसन्न हो के आख्या सी मंगो की मंगदे हो, पर मेरा पति अपने दिल की गल ना तुहानूं दस सकिया। सच्चे पातशाह साडे घर विच औलाद नहीं होर सब कुछ है। सच्चे पातशाह सानू बुढ़ापे की डंगोरी एक पुत्र एक लाल चाहिए। कलगी वाले सतगुरु रामदास महाराज के दरबार में भाई आदम की घरवाली सतगुरु सच्चे पातशाह तो एक पुत्र की दात क्यों मंग रही। जे तुठे हो सतगुर साडे मन दी रीज पगा देवो, हां मन दी रीज पगा देवो। Thank you.
है। सतगुरु रामदास महाराज अंतरजामी सतगुरु जानते सन, यह पुत्र की प्राप्ति लिए आए ने, पर इन्ह की जुबान तो एक बार सुनना चाहते सन। हजूर अंतर ध्यान हो जाते पहली गल सिख दे मन विच यकीन होवे, भावना होवे कि मेरा गुरु रब है। दोनों विच परमात्मा विच ते गुरु विच फर्क कोई नहीं, यह गुरमत का सिद्धांत है। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी तुसी पढ़ लो, हजूर कहिंदे ने नानक सोधे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। रब विच ते गुरु विच कोई फर्क नहीं, कोई भिन्न भेद नहीं। हजूर कहिंदे ने समुंद विरोड़ शरीर हम देखिया, एक वस्त अनूप दिखाई। गुर गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। गुरु रब है ते रब गुरु है। गोविंद दा अर्थ है ते परमात्मा, गुरु गुरु दा अर्थ गुरु है, गोविंद दा अर्थ है परमात्मा। गुरु विच ते रब विच, गुरु विच ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं। हाँ, परमात्मा नूं इन्हां सथूल अखां नाल वेख्या नहीं जा सकता। गुरु दे इन्हां अखां नाल संगत दस जामिआं विच दीदार करदी रही। अज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शब्द रूप विच साडे विच मौजूद ने। कोई फर्क नहीं दस पातशाहियां विच ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच। केवल भावना की लोड़ है, केवल श्रद्धा की लोड़ है। साडे मन विच यकीन होवे, किसे दे घर विच औलाद नहीं, किसे नूं कोई भी वस्तु चाहीदी है, घर चाहीदा है, जिहड़ी भी मन की शुभ भावना है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पूरी करन दे समर्थ ने। लोड़ है यकीन की, भावना नाल अरदास करिए, सेवा करिए, सिमरन करिए यकीन नाल, नेम नाल। जिवें असीं अपने कम्मां ते ड्यूटियां ते जांदे आ, उस तरह नेम नाल सिमरन करिए। समा कढ के गुरु पातशाह रहमत करनगे, अरदास जरूर पूरी होगी। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह का वचन है ना, जे मैं ना भुलदा होवां ते पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी का वचन है, साजनो तू मीत मेरा, ग्रह तेरा सब केहो, माण मांगो ताण मांगो, धन लक्ष्मी सुत देहो। हजूर कहते हैं ऐ परमात्मा, ऐ सच्चे पातशाह, तू मेरा मित्र है, तू मेरा सज्जन है, ते मैनू पता है तेरे घर विच सारा कुछ है। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, घर ता तेरा सब कुछ है, जिस देह सो पावे, सारा कुछ है तेरे घर विच, जिदे उपर नजर करदे नू सारियां दातां दे देना। हुण मैनू यकीन है तेरे घर विच सारा कुछ है, ते मैं तेरे तो माण भी मंगदा, तान भी मंगदा, मेरी समाज विच इज्जत भी होवे, मैनू धन भी चाहिए, मैनू लक्ष्मी सुत इसत्री ते पुत्र भी चाहिए ने, औलाद भी चाहिए। सतनुज इस भावना नाल अरदास करिए। हजूर भाग दूर लाउंदे ने। हुण भाई आदम की घरवाली ने अरदास कीती, भाई आदम ने आख्या सत्य पातशाह रहमत करो, हजूर ने आख्या गुरु नानक की संगत की सिखा की सेवा करके तुसी सानू प्रसन्न कर लिया। हुण जिहड़ा एक पुत्र साडे घर जन्म लेना सी, जिसने वह तुहाडे घर में जन्म लवेगा, तको जरा सतगुरु ने आख्या उहदा नाम रखना भगतू। वह साडा बड़ा प्यारा सिख है, नाम विच रंगी हुई रूह है, वह ब्रह्म ज्ञानी होवेगा, उहदा सत्कार करियो, तुहाडी कुल नूं चार चिन्ह ला देवेगा, तुहाडा नाम संसार विच रोशन करेगा। सतगुरु रामदास महाराज भाई आदम नूं एक पुत्र की दात बख्शन लई वचन इउं कर Oh,
गुरु रामदास महाराज ने पुत्र का वरदान दे दिता। तो वड्डी गल संसार अंदर जिथे बंदे नूं औलाद चाहीदी है उत्थे औलाद भी नेक होवे, बच्चे आग्याकार होण। ते कई बार जिन्हां दे बच्चे मां बाप ते कहने विच नहीं, वह इस करके भी दुखी ने कि उन्होंने बच्चे उन्होंने आग्या नहीं मनते, उन्होंने कहना नहीं मनते, उन्होंने हुक्म विच नहीं। गुरु घरों जिहड़ी औलाद भी प्राप्त होंदी है, सतगुरु सच्चे पातशाह ने भाई आदम नूं पुत्र भी दिता, पुत्र आग्याकार भी सी, पुत्र गुरु का सिख भी सी, जिहड़ा पुत्र भाई आदम दी कुल दा रोशन चिराग बनिया। सतगुरु रहमत करम अज भी भावना वाले जिहड़े श्रद्धा नाल यकीन नाल भरोसे नाल गुरु तो दाता मंगते ने महाराज, उन्हां दीआं मनोभावनावां नूं भाग जरूर लाउंदे ने। श्रद्धा रखिए, यकीन रखिए, सेवा सिमरन करिए, सतगुरु सच्चे पातशाह किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहन देंगे। तो याद रखना, जे इस दर तो किसी का यकीन टुट गया तो दुनिया विचों किते भी उहदी झोली खैर नहीं पएगी। यकीन रखो, भावना रखो, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बड़े समर्थ ने, किन्ने एक समर्थ ने। सतसंगत एक छोटी जी घटना मैं 2 मिनट में कह के मेरा समा वैसे समाप्त है, 1-2 मिनट लगने ने, मैं तुहाडे नाल इह गल सांझी करके खिमा दा जाच को जाणा। पटियाले शहर की घटना है, एक परिवार देहधारी गुरु का उपाशक सी, ते उस परिवार की एक बीबी, एक उन्हां दी धी जिहदा नाम सुरिंदर कौर सी, बीबी अज भी जिउंदी है। वह बीबी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मनदी सी, बाणी पढ़न वाली सी, उहदा बड़ा भरोसा सी, बड़ा सिदक सी। सारा परिवार उस बीबी नूं वार वार इस गल ते जोर दे के कहिंदा कि तू साडे नाल साडे गुरु दे साडे बाबे दे डेरे ते चल। गुरु ग्रंथ साहिब बोलदा नहीं, साडा बाबा तो साडे नाल गल्लां करदा है। हालांकि वह भोले जाणदे नहीं कि गुरु ग्रंथ साहिब जिस तरीके नाल गल्लां करदा, जिहो जिहियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज करदे ने, दुनिया का कोई बाबा नहीं कर सकता। हुण बीबी सुरिंदर कौर आखदी है, मैं किसी देहधारी नूं नहीं मनदी, मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु मनदी हां। हुण एक दिन गल इत्थे तक पहुंच गई, परिवार ने एक लकीर खिंच दित्ती, आख्या सुरिंदर कौर जे एक हफ्ते विच गुरु ग्रंथ साहिब बिना साडे बुलाया, बिना साडे लैण गया, अपने आप साडे घर आ जाण, फिर तो असीं भी देहधारी गुरु नूं छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब दे सिख बन जावांगे। जे एक हफ्ते विच गुरु ग्रंथ साहिब तेरा गुरु साडे घर ना आया, तो फिर असीं तैनू भी गुरुद्वारे नहीं जाण देना, तैनू भी साडे बाबे नूं जाके मत्था टेकना पवेगा। बीबी सुरिंदर कौर ने आख्या ठीक है। हुण बीबी सुरिंदर कौर दे फोन करन ते पाबंदी लग गई, सारा परिवार ध्यान रखता है, एक बंदा ड्यूटी ते रहिंदा किते फोन ना कर लवे, ते उहदे गुरुद्वारे जाण ते भी पाबंदी ला दित्ती, किते ग्रंथी सिंह नूं ना कह आवे कि साडे घर गुरु ग्रंथ साहिब ले आयो। हुण इस तरह 3-4 दिन लंघ गए, आखिरकार 4th-5th दिन मीह पैना शुरू हो गया, जोरदार मीह पिया, सारा दिन मीह पैंदा रहा, दूजे दिन भी मीह पैंदा रहा, झड़ी लग गई। हुण पटियाले शहर विच इन्हां दे घर दे नज़दीक एक स्कूल सी, स्कूल विच गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश सी, ते जिथे प्रकाश सी वह बिल्डिंग बड़ी माड़ी सी। ग्रंथी सिंह जिहड़ा सी सेवा करन वाला, उहने प्रबंधकां नूं सद के आख्या मीह पै रहा है, बिल्डिंग माड़ी, किते चोआ ना पैण लग जाए, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी ना हो जाए, आपां इस तरह करिए गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किसी के घर कर दईए, किसी होर थां कर दईए। प्रबंधक कहण लगे किथे करिए, कि थां सुरक्षित है, मीह पै रहा है, किथे दूर ले जा नहीं सकते। इन्हें आख्या सामने बाजवा साहब की कोठी है, तो आप क्यों ना उन्होंने घर गुरु ग्रंथ साहब ले चलीए, उत्थे जाके महाराज का सुखासन कर दईए, उत्थे प्रकाश हो जाया करेगा। हुण इह कहण लगे सजना पहला पुछ लईए परिवार पासों कि आग्या देणगे। इन्हें आख्या गुरु ग्रंथ साहब किसी के घर जाण वो इनकार थोड़ा करनगे, पुछण की लोड़ नहीं, जरा कु मीह हटे तो आप ले चलीए। कहण लगे ठीक है। मीह हटिया, सुखासन किया ग्रंथी सिंह ने, पीड़ा साहब सीस ते लिया, छतर लिया, चौर साहब एक सज्जन करन लगा, घड़ियाल वजाउंदे बाजवा साहब की कोठी अगे पहुँच गए, घड़ियाल की आवाज़ सुनी, जो बिल वजी दरवाजा खोलिया, सामने गुरु ग्रंथ साहब महाराज खड़ोते ने। हुण परिवार हैरान रह गया, बीबी सुरिंदर कौर जदों आई उहदी अखां विच खुशी दे हंझू आ गए, वह शुकराना कर रही है सच्चे पातशाह तुसीं मेरी भावना नूं भाग लाउण लई ते मेरे परिवार की जिहड़ी दशा सी मन की उस दशा नूं संवारन लई, उहनूं मेरे परिवार नूं देहधारी दे चुंगल विचों कढ़न लई एडा एहसान कीता, आप चल के साडे घर आ गए। परिवार नूं बीबी सुरिंदर कौर की तय की हुई शर्त मननी पई, तो परिवार भी देहधारी नूं छड्ड के गुरु ग्रंथ साहिब का
उपाशक सिख अमृतधारी बन गया। यह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज किते एवें ना समझियो, गुरु ग्रंथ साहिब एक संसार दे दूजे बाकी ग्रंथां वर्गा है। गुरु ग्रंथ साहिब इकल्ले ब्रह्मांड विच इको एक ऐसे ग्रंथ ने जिन्हां दे नाम नाल गुरु लगदा है। केवल नाम मात्र गुरु नहीं, समर्थ ने साडियां बेनतियां सुनदे ने, असीं हुक्मनामा लैंदे अरदास करके जिहो जी भावना होवे बंदे दी भाग लगदे ने। जदों 1984 विच दरबार साहिब अटैक होया, अकाल तख्त ते गया, दरबार साहिब हरिमंदर साहिब गोलियां वजियां, ते गुरु ग्रंथ साहिब दा जदों प्रकाश कीता गया, जिहड़ा हुक्म महाराज ने दिता, किस हो जाची किस आराधी, जां सब को कीता हो सी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा सो सो खाकू रल सी। महाराज ने उसे दिन कह दिता सी इह तख्त ढोण वाली इंद्रा मिट्टी विच मिल जाएगी, ते सचमुच मिट्टी विच मिली। बहुत तरह के हुक्मनामे ने, खैर जदों भी जिस भी भावना नूं लैके असीं अरदास करदे हां सतगुरु हुक्मनामे विच साडे सवाल दा साडी अंदर दी वेदना नूं जाण के जवाब दिंदे ने। यकीन रखो, भरोसा रखो, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी नाल जुड़ो। सतगुरु रहमत करन होईआं बेअंत प्रकार दीआं भुल्लां दी मुआफ़ी बख्शो। सारी संगत नूं इक वार फिर तो लोहड़ी की मुबारकबाद। जिन्हां दे घर विच सतगुरु पातशाह ने बच्चिआं दीआं दातां बख्शीआं ने, जां जिन्हां दे नवे ब्याह होए ने, उन्हां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद। सारिआं दी सारी संगत की चढ़ती कला लई अरदास करदा होइआ दास खिमां दा जाचक है, साढ़े तो बोलदिआं तुहानूं भुल्लां दी मुआफ़ी चाहुंदे आ। आओ हुण रल मिल के आनंद साहिब दा पाठ करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माए सच्ची वाणी।
ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਆਸ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ